आखिर ट्रेन कोच में पीली और सफेद रंग की धारियां क्यों लगाई जाती हैं? इंडियन रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। परिवहन की यह सुविधा यातायात के सबसे सुगम साधनों में से एक है। हर रोज लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और इन लाखों लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए रेलवे रोजाना लगभग 13,000 ट्रेनों का संचालन करता है। आपने भी रेल से जरूर सफर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि ट्रेन के अलग अलग कोचों पर अलग अलग रंगों की धारियां बनी क्यों होती है? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इन अलग अलग रंगों की धारियां क्यों बनी होती है। भारतीय रेलवे में बहुत सारी चीजों को समझने के लिए एक खास तरह के सिम्बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्रैक पर बने सिम्बॉल। इस सिंबल का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हर एक व्यक्ति को उस चीज के बारे में बताने की जरूरत ना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखकर ट्रेन के कोच पर भी एक विशेष प्रकार के सिंबल को इस्तेमाल में लाया जाता है। आपने देखा होगा नीले रंग के ICF कोच के आखिरी खिड़की के ऊपर सफेद या पीले रंग की धारियां बनाई जाती हैं, जो कोच के प्रकार को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सफेद रंग की धारियां जनरल बोगी को दर्शाती हैं, वहीं पीले रंग की धारियां विकलांग और बीमार लोगों के कोच पर इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय रेलवे महिलाओं के लिए भी कोच आरक्षित करता है। इन कोचों पर ग्रे रंग पर हरे रंग की धारियां बनाई जाती हैं। वहीं फर्स्ट क्लास के कोचों के लिए ग्रे रंग पर लाल रंग की धारियां बनाई जाती हैं। अलग अलग रंगों वाला कोच। आपने देखा होगा कि ज्यादातर ट्रेनों के डिब्बों का रंग नीला होता है। दरअसल इन डिब्बों का मतलब होता है कि ये ICF कोच है, यानी कि इनकी रफ्तार 70 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। ऐसे डिब्बे मेल एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेनों में लगाए जाते हैं। वहीं AC ट्रेनों में लाल रंग वाले डिब्बे का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस। हरे रंग के डिब्बों का इस्तेमाल गरीब रथ ट्रेन में होता है। वहीं भूरे रंग के डिब्बों का इस्तेमाल मीटर गेज के ट्रेनों में किया जाता है। बिलिमोरा बाघाई पैसेंजर एक नैरो गेज ट्रेन है जिसमें हरे रंग के कोच का उपयोग होता है, हालांकि इसमें भूरे रंग का भी कोच का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ट्रेन कोच में पीले और सफेद रंग के धारियां क्यों लगाई जाती हैं और ट्रेन के कलर का मतलब क्या होता है, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। आपको इस वीडियो में मैंने सब चीज बता दिया है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि महिलाओं के बोगी के लिए कौन से कलर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।